नमस्कार आदाब सस्काल उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आपके हालचाल मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिवियल एंड आई यू पी नेम ऑफ कीटोन्स बट मेरी रिक्वेस्ट है इसके पहली वाली वीडियो पार्ट टू को आप अच्छे से देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट और भी अच्छे हो जाएंगे अब यहाँ पे कुछ बेसिक नॉलेज दिया है डू यू नो करके इसे भी हम देख लेते हैं

अब देखिए एसिटिक एसिड आसेट, जिसका फॉर्मूला होता है सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये कहाँ से आया एसिटम एसिटम मतलब विनेगर से अब आगे देखिए प्रोपियोनिक एसिड वो कहाँ से आया फैट से फर्स्ट फैट को हम क्या कहते हैं प्रोपियोन फिर आता है ब्यूटरिक एसिड जिस जो कि आया है बटर मतलब रैंसेड बटर जिससे बटर में कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है तो वो ब्यूटरिक एसिड बन जाता है आगे देखिए द दे ट्रिवियल एंड आई यू पी एसी नेम ऑफ कीटोन तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम ऑफ एलिफैटिक एलिफेटिकटोन एलिफैटिक मतलब जिसमें ओपन चेन होगी आर बेस्ड ऑन द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप एंड अराइल टू कार्बनल कार्बन ओके की ये जो सीओ ग्रुप है ये किसको अटैच है उसके बेसिस पे क्या ये अराइल ग्रुप को अटैच है या फिर अल्काइल ग्रुप को अटैच है नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप आर रिटेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलोड बाय वर्ड कीटोन ओके तो यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ सब्सिट्यूटेड एलिफेटिक कीटोन द पोजिशन ऑफ सब्सिट्यूंट इज इंडिकेटेड बाय लेबनिंग द कार्बन सीरियसली एज अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन द कार्बन आइटम एडजेसेंट टू कार्बनल कार्बन इज लेबल्ड एज अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज बीटा एंड सो ऑन नेम्स ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स आर बेस्ड ऑन फिनोन ओके फिनोन कहते हैं उसे फिनोन ओके okay? वो टेबल ट्वेल्व पॉइंट टू में दिया है चलिए इसके बेसिस पे मैं आपको कुछ बताता हूं मान लीजिए ये एक कीटोन है जैसे कि एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड ओ और यहां पे सी एच थ्री ये एसीटोन है इसका नाम आप कैसे लिख सकते हो इसका कॉमन नाम आप लिख सकते हो डाय कीटोन Okay, अब जरा देखिए इसमें अगर मैं कुछ चेंजेस कर दूं अगर आपको मैंने बोला जरा इसका नाम लिख के बताइए तब आप क्या लिखोगे तो सुनिए जरा ध्यान से जो भी कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन को अटैच है इसे हम कहते हैं अल्फा तो ये भी हो गया अल्फा डैश ठीक है या फिर आप इसे अल्फा कहिए और इसे क्या कहिए अल्फा डैश क्योंकि जस्ट पहला जो कार्बन है उसे हम अल्फा कहते हैं सर उसके बाद वाला आप सब जानते हैं मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इसके बाद अगर कोई कार्बन अटैच है जैसे ये देखिए सी डबल बॉन्ड ओ पहला कार्बन पहला कार्बन दूसरा दूसरा तीसरा चौथा पांचवा तो ये हो गया अल्फा ये बीटा ये गामा ये डेल्टा और ये एप्सलॉन और यहां पे क्या आएगा अल्फा डैश बीटा डैश ऐसे आ समझ में तो इसका नाम क्या हो जाएगा अल्फा क्लोरो अल्फा क्लोरो एसिटोन ठीक है ये इसका क्या नाम हो गया कॉमन नाम या फिर अल्फा क्लोरो मिथाइल मिथाइल कीटोन जो कि की इतना ज्यादा सही नहीं है ठीक है ऐसे आप पोजीशन बता दोगे आई होप आपने दूसरी वीडियो देखी होगी सेकेंड पार्ट हमारी तो आप ये सारे नाम अच्छे से लिख लोगे ये सारी अलग अलग पोजिशन है ठीक है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं द आयू पी एस सी नेम ऑफ एलिफैटिकटोन आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग अल्केन बाई रिप्लेसिंग एंडिंग ऑफ ई ऑफ अल्केन विद ओन दे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बनिंग नंबर्ड फ्रॉम द एंड क्लोजर टू कार्बनिक कार्बन मतलब सबसे ज्यादा प्रायरटी हम किसको देंगे कार्बन एल को और अल्केन के जगह पे ई e को हटा के आप क्या दोगे ओ एंड ई वेन टू सीओ ग्रुप्स आर प्रेजेंट जब दो कार्बन ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो वहां पे हम डायोन बोलेंगे और पोजीशन को भी हम बता देंगे तो नेम ऑफ पैरेंट कीटोन इंडिकेटिंग द लोकेंट ऑफ कीटोनिक ग्रुप तो चलिए देखते हैं ये देखिए एक इसके लिए भी एग्जाम्पल दे देते हैं तो ये हो गया H3C C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 तो देखिए हम इसे नंबरिंग कर सकते हैं दोनों साइड से नंबरिंग कर सकते हैं वन टू थ्री फोर और एक नंबरिंग ये भी हो सकती है कैसे वन ये टू ये थ्री और ये फोर तो आप कौन सी सही है तो मैंने आपको बार बार बोला है हमारी अल्कोहल फिनॉल ईथर की वीडियो में कि प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड और फिर आता है सब्सटीटूए तो देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप यही है तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसी को देंगे प्रायोरिटी ज्यादा मतलब नंबरिंग कम तो ये टू आ जाएगा तो इसको बोलेंगे ब्यूटिन टू ओन अब आप देखे होंगे यहाँ पे मैंने जो रूल आपको बताया था हमारे सेकेंड वीडियो में कि ब्यूटेन को तो हम बी यू बी यू टी ए एन ई लिखते हैं और यहाँ पे टू ओ एन ई ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन देखिए दो वॉवेल एक साथ आ गए ये देखिए दो वॉवेल एक साथ आ गए तो जो प्रीसीडिंग वाला है मतलब जो पहले वाला है इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं और फिर इसको लिखते हैं ब्यूटिन टू ओन आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा ठीक है अब ढेर सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिए हुए हैं तो हम उसको ये डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे देखिए ये देखिए ढेर सारे नाम दिए हुए ओके तो देख लेते हैं यहाँ पे कंपाउंड तो सबसे पहले कॉमन नाम देखते हैं तो इसका तो कॉमन नाम हम सब जानते हैं गर्ल्स ज्यादा जानती होंगी इसको

अल्फाबेटिकली ई e आता है इसलिए इथाइल लिखा फिर मिथाइल और फिर कीटोन और फिर लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे आई में चार कार्बन है तो ब्यूटिन इसमें भी सेकेंड पे ही आने वाला है तो आप सेकेंड नहीं भी बताओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता अब जरा देखिए ये हो गया मिथाइल और ये हो गया वन प्रोपाइल या फिर एन प्रोपाइल एन प्रोपाइल कॉमन नाम है क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो ये देखिए मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन सर अल्फाबेटिकली एम पहले आता है इसके लिए मिथाइल को लिखा क्या यस yes, सही सोच रहा है तू सर अभी यहाँ पे ये पेंटन टू ओन कैसे आया सर तो देखो बेटा ये पांच कार्बन की चेन है और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ नंबरिंग करेगा तो सेकंड पोजिशन पे कार्बन ग्रुप आएगा अरे बाबा एक नंबर मत आपने कोई सेकंड सेकेंड नंबर पे ना ये एकदम सही आगे देखो ये अब ये कौन से पोजीशन पे आ गया थर्ड लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो वन टू थ्री तो ये देखो इथाइल कीटोन क्यू इथाइल देखो इधर दो इथाइल ग्रुप अटैच है ये देखो इधर एक इथाइल ग्रुप इधर एक इथाइल ग्रुप तो इसको क्या बोलेंगे कीटोन और इसका नाम हो जाएगा पेंटन थ्री ओन आया मगज में अब इसका देखो ये तो बहुत जबर दिख रहा है रे ये बाबा ये सब खतरनाक एग्जाम में आता है क्या आता है रे एक नंबर आता है ऐसा ही क्वेश्चन तो पूछता है तो ध्यान देखो सर ध्यान से देखो ध्यान देखो क्या ये देखो सी एस थ्री सी एच बीआर सी ओ सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री तो एक्चुअल में आप कार्बन देखें तो एक दो तीन चार पांच छे कार्बन ओके लेफ्ट से राइट की तरफ और सेकेंड पे ही बी आर अटैच है तो चलिए मैं इसे अलग से ले लेता हूँ तो ये देखिए एक दो तीन चार पाँच छ यहाँ पे क्या अटैच है बी आर और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आया समझ में तो ये हो गया सी एच थ्री यहाँ पे भी हो गया सी एच थ्री बाकी सब आप खुद से लिख सकते हैं तो कॉमन नाम लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो तो ये देखिए ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया और ये पूरा क्या है इथाइल और ये क्या है एन प्रोपाइल तो अल्फा ब्रोमो इथाइल अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन ये देखो अल्फा ब्रोमो इथाइल एन प्रोपाइल कीटोन सर अल्फा ब्रोमो क्यों तो ये देखो अल्फा पोजीशन पे ब्रोमो अटैच है कार्बन जो पहला अटैच होता है उसे अल्फा कहते हैं अल्फा पे ब्रोमो और ये टोटल कितने कार्बन थे दो तो अल्फा कोई कोई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं अल्फा ब्रोमो इथाइल क्योंकि दो कार्बन है ओके? और फिर इसे हम कहेंगे एन प्रोपाइल एन प्रोपाइल क्योंकि ये तीन कार्बन वाला है और फिर इसे कहेंगे कीटो सर एक नंबर सर मत समझ में अभी आई यूपीएसई कैसा करने का लेफ्ट से राइट नंबर देने का रे बाबा आता क्या समझ में भाई सर मुझको आ गया समझ में ये थर्ड हो गया ये फोर्थ ये फिफ्थ और ये सिक्स, मतलब सिक्स कार्बन वाला कीटोन है ये यस तो सेकेंड पे क्या है ब्रोमो है ओके और फिर क्या है हेक्सेन सर, सर देखो मैंने सब सही कर दिया सर बहुत ही सही है एकदम सही टू ब्रोमो थ्री ओन आएगा इसका नाम चलिए देख लीजिए यहाँ पे ये देखिए सर ये थ्री क्या था थर्ड पोजीशन बताना था ना थर्ड पोजीशन पे सी है और सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन है और टोटल कार्बन के नंबर कितने हैं ये ये देख देख सेकंड पे पे नहीं थर्ड है है तो ओन लिखा है। और फिर उसके बाद किस पे ब्रोमो है सेकेंड पे ब्रोमो है इसके लिए देख टू लिखा है आया मगज में मगज में आया क्या हाँ सर समझ में आया अब आगे देखो सी एच थ्री टू सी एच सी ओ सी एच थ्री इसका कॉमन नाम मेसिटेल ऑक्साइड होता है अब इसका आईपीएस नाम कैसे लिखेंगे तो ध्यान से देखिए ये एसीटोन जैसा और एसीटोन में डबल बॉन्ड करके इसको अटैच किया तो चलिए हम देख लेते हैं इसे एच थ्री सी 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 एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री आया समझ में या ना यस सर एक नंबर नंबरिंग कहाँ से करेंगे तो मैंने बोला है ना फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा प्रायरिटी देंगे सर डबल बॉन्ड और कार्बोनिल में कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है और नंबरिंग कम आना चाहिए तो राइट right से लेफ्ट की तरफ आएगा तो देखो इधर मेरा बाय योग वन योग आया तो आप सब्सिट को लिखो सब्सिट कौन से नंबर पे है फोर तो इसको बोलेंगे फोर मिथाइल क्या आ गया फोर मिथाइल कितने कार्बन है पांच ओके okay, तो इधर आ जाएगा पेंट पेंट क्या है पांच कार्बन फिर पोजीशन क्या है डबल बॉन्ड का थ्री पेंट थ्री इन और फिर ऑन अब जरा देखो इधर दो वॉवल एक साथ आ गए देख मेरे भाई एक एक इधर इधर आया आया और एक वावेल आया, तो जब दो वॉवल एक साथ आते हैं तो पहले वाले को निकाल देते हैं इधर सिर्फ इन होगा चेक कर ले ये देख फोर मिथाइल पेंट थ्री इन टू ऑन देख इधर ई एन ई नहीं लिखा है ई एन लिखा है सिर्फ ये सब बारीक बारीक चीज है मेरे भाई सब पता होना चाहिए अब देख इसमें दो दो सीओ आ गया तो इसमें डायोन आएगा छ क्यू छे कार्बन है टू फोर क्यू एक सेकेंड पोजिशन पे अटैच है और एक फोर्थ पे सर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो राइट से लेफ्ट जाएगा तो थर्ड और फिफ्थ आएगा उसमें लोकंड बड़ा हो जाएगा देख टू प्लस फोर टोटल कितना होता है सिक्स थ्री प्लस फाइव कितना होता है एट होता है तो नंबर कौन सा कम है छह तो याद रखना हमेशा लोवेस्ट लोकंड को फॉलो करते हैं मतलब मिनिमम नंबरिंग मैक्सिमम प्रायोरिटी अब इधर देखो सी एच थ्री सी ओ सी एच टू सी एच ओ अरे सर ये कीटोन में एल्डिहाइड भी आ गया राइट तो सिंपल सी बात है आपको अब जो कीटोन ग्रुप है उसको ऑक्सो लिखना होगा क्या लिखना होगा ऑक्सो और इसके लिए कॉमन नाम अवेलेबल नहीं है मेरे भाई देखो इधर कैसे एच थ्री सी सी डबल बॉन्ड O सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एच तो इधर देखो दो दो फंक्शनल ग्रुप आ गए यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप याद है तो अल्डीहाइड और कीटोन में हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं अल्डीहाइड को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो इसको नंबरिंग कम मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा वन ये टू ये थ्री और ये फोर तो थर्ड वाले पे कीटोन है तो जब एक हाई प्रायोरिटी ग्रुप होता है जैसे अल्डीहाइड हायर प्रायोरिटी वाला है मतलब इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है और सेकेंड वाले को कम इंपॉर्टेंस सेकेंड मतलब सीओ को तो उसको हम लोग बोल देंगे ऑक्सो तो क्या आ जाएगा थ्री ऑक्सो एक दो तीन चार ब्यूटिन या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूटिन थ्री ब्यूट थ्री ऑक्सो ब्यूट थ्री ऑक्सो और फिर यह वन अल या फिर आप यहां पे ब्यूटेन थ्री ऑक्सो भी कर सकते हैं ब्यूटिन थ्री ऑक्सो वन एल और दूसरा भी तरीका है जो आपको दिया गया है यहाँ पे ये देखो क्या दिया है थ्री ऑगजो ब्यूटिन एल बता दिया मतलब ये सी एच ओ को अलग पोजिशन देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अगर बताया नहीं है कि किधर है सी एच ओ तो इसका मतलब ये वन पे ही होगा ऐसा मान के चलना जब भी किसी का पोजीशन नहीं बताया जाता तो याद रखना वो हमेशा फ़र्स्ट पोजीशन पे होता है अब ये देखिए इसका नाम है डाई क्योंकि दो फिनाइल और ये कीटोन तो डाई कीटोन अब इसको बेंजोफिनोन बोलते हैं अब ये बेंजो कहाँ से आया देखिए इस ग्रुप के लिए आया बेंजो मैंने हैलोजन में बहुत ही अच्छे से बताया है बेंजाइल बेंजल और बेंजो उसे आप देख लीजिए और फिर इसे कहेंगे बेंजो फिनोन ये इसका आई नाम है आगे देखिए ये सीओ और ये सी एच थ्री तो ये हो गया फिनाइल ये हो गया मिथाइल और कीटोन देखिए मिथाइल फिनाइल कीटोन और इस पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं रेड से दिखाता हूं मैं आपको ताकि आप अच्छे से समझ सको इसे कहते हैं एसिड ग्रुप तो ये देखो एसिटोफिनोन तो 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 ये एसिट ओफिनोन देखिए ये कॉमन नाम में भी एक्सेप्टेड है हाँ याद रखना ये देखिए इसका कोई कॉमन नाम एप्लीकेबल नहीं है तो इसको दिया वन नंबर इसको टू ये थ्री और ये फोर तो फोर पे क्या आ गया मिथाइल और टू पे क्या है क्लोरो अल्फाबेटिकली सी कम्स फर्स्ट एंड एम कम्स लेटर इसीलिए सेकेंड वाले को पहले दिखा है क्लोरो और फिर मिथाइल को बाद में और फिर साइक्लो हेगेनोन साइक्लो लगेगा जरूरी है ये साइक्लिक है ना इसके लिए साइक्लो हैगजेनोन देखिए यहाँ पे एग्जेन ओन लिख सकते थे लेकिन दो ओवेलिख सा था इसके लिए इको नहीं लिखा समझदार बच्चे हो अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है केस ऑफ फंक्शनल कीटोन हायर प्रायोरिटी ग्रुप इज गिवेन लोअर नंबर ओके मतलब जब बहुत ज्यादा कीटोन हो जाएंगे तो उसमें जिसको प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसको नंबरिंग कम देना चाहिए ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं

ये पांच मेंबर वाली रिंग है और ये सीओ है यहाँ पे सीएल है तो इसको वन देंगे इसको टू देंगे यूज योर ब्रेन पावर देखिए अब अच्छे से क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे देखिए राइट आईयूपीएसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड अब यहां पे देखिए ये अलडीआईडी ग्रुप है ये सारे सब्सटीटेंट है तो इधर वन ये टू ये थ्री ये फोर ये फाइव और ये सिक्स ठीक है तो सबसे पहले देखिए सब्सटीट्यूएंट कौन कौन है यहाँ पे भी मिथाइल यहाँ पे मिथाइल ये ब्रोमीन और तो तो हाँ, तो लीजिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स मतलब सिक्स कार्बन है और नंबरिंग यहां से क्यों स्टार्ट किया क्योंकि और मैंने आपको बताया है प्रायोरिटी ऑर्डर किसको देते हैं मेरे भाई सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सर मुझे फंक्शनल ग्रुप ही नहीं पता है सर अरे प्यारे बेटा इलेवें वीडियो पढ़िए सब देख लो एक नंबर हो जाओगे केमिस्ट्री में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 5. अब यहां पे आ जाएगा डाई डाई ब्रोमो सर क्यों यूज किए क्योंकि दो है सर ब्रोमो क्यों क्योंकि ये ब्रोमीन है ब्रोमीन को ब्रोमो लिखता है और ये पांचवे पोजीशन पे है तो दो बार क्यों लिखे क्योंकि दो ब्रोमीन है ठीक है तो सर ऐसा तीन होता तो तीन बार लिखता मैं यस एक नंबर समझ में आया अरे बाबा ये तो दो नंबर पे भी अरे तो दो का भी लिखेंगे टू कॉमा टू डाइमिथाइल आए समझ में तो फाइव कॉमा फाइव डाइब्रोमो टू कॉमा टू डायमिथाइल हैग्ज ए अरे है बाबा एक नंबर ये मत समझ में आइए सही है चलो देखो अभी अब यहां से हम इसकी नंबरिंग करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन कार्बन हो गया मेरा बाय कितना हो गया टेन वापस मांगता है तो वापस दूसरा कलर से करके दिखाता है मैं ऐसा किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना मांगते कह तुम लोग चला बगा, कर कर बगा ये एक ये दोन ये तीन ये चार ये पांच ये सहा ये सात ये आठ ये नौ दा आता कुटे कुटे सब स्टिट्यूएंट पोसाय लगे पुसायला लागेल चला हे फोर्थला अरे बाबा सर पुशतात की अजून लावतात बघायचे फोर्थ ला काढलं आणि फाईव्हला ला काढलं आणि सेव्हनला काढलं सेव्हन कडे पण आहे चला फोर्थ परत लिहितो इथे फोर्थ लिहिलं मग फाईव्ह वर दोन मिथाईल आणि सिक्स वर इथाईल तर काय लिहायचं सिक्स इथाईल सर इथाईल कसा ला इथे बघणारे बाबा दोन कार्बेन म्हणून इथाईन कळलं तो छः पे इथाइल है और उसके बाद अगर देखो तो आप पांच पे दो मिथाइल है तो फाइ डाई मिथाइल फिर देखो थर्ड और फोर पे कीटोनिक ग्रुप है तो टोटल कितने कार्बन थे दस तो डेक थ्री कॉमा फोर डायोन थ्री कॉमा फोर डायोन ऐसे लिखना है आया समझने? ऐसे डेकन कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेकन डी ई सी एन ओके ऐसा है तो डेक भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा अब ये तो सिंपल है वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है आप डेक के बदले डेकन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो आप इसे डेकन थ्री कॉमो फोर डायन भी लिख सकते हैं अब ये हो गया वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन तो ये क्या हो गया फाइव कार्बन का अलडीहाइट तो इसे हम कह सकते हैं एकदम समझ में? अभी इधर देखो. फोर्थ पोजीशन पे अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसे एक दिया इसे दो दिया इसे तीन दिया और ये चार तो ये तीन और चार पे क्या है मिथाइल ग्रुप है ठीक है तो अब इसे क्या लिखेंगे थ्री कॉमो फोर डाई मिथाइल और आगे हो जाएगा ये बेंजल डिहाइड क्या हो जाएगा बेंजल देखो ये वन ये टू ये थ्री और ये फोर ठीक है तो इसपे क्या हो जाएगा टू कॉमा फोर ओके और फिर इसका नाम क्या हो जाएगा साइक्लो हेग्जे साइक्लो हेगे पोजीशन पोजिशन बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को ही वन नंबर दिया होगा अब आगे देखिए ट्राई दिस अब आपको ट्राई करना है क्या ट्राई करना है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग फॉलोइंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है टू मिथाइल पेंटेनल तो सबसे पहले पेंटेनल बना देने का एक दो तो, तीन एक दो तो, तीन चार ये पेंटेनल हो गया ये देखो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन ओके टू पे मिथाइल लगाने का है तो ये देखो मिथाइल लगा दिया हो गया हेक्सेन टू वन तो पहले सिक्स कार्बन बना लो ये देखो एक दो तो, तीन सर आप बोर्ड आपके पास ऑलरेडी है सर आप बोल गए हो मेरे को याद दिलाना पड़ेगा सर सर आप मस्त रीढ़ी लिखते हो बोर्ड पे चलो एग्ज़ाम टू ओन बोर्ड पे ही दिखाते आपको ये इधर ले लेता हूं मैं और ये ऐसे ठीक है थीके? तो एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और ये चीज ओके तो एग्ज़ाम कितना था टू था या थ्री था टू ओन था अरे भाई तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आगे समझ में तो इसका नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया हेक्सेन टू ओन ठीक है एक नंबर सर एकदम मगज में एकदम परफेक्ट बैठ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे चलिए तो अब आगे देखते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो प्रिपरेशन ऑफ ऑल दी कीटोन है अब इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो कि इलेवन स्टैंडर्ड से रिलेटेड है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है साथियों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इलेवंथ पूरा रिवाइज कर लीजिए और फिर आके देखिए क्योंकि बहुत सारा इसका पार्ट जो है वो इलेवेंथ स्टैंडर्ड में और हम उसे रिपीट नहीं करने वाले क्योंकि हमने ऑलरेडी इलेवेंथ की वीडियो बनाई उसमें आप जाके देख सकते हैं ठीक है तो इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए ढेर सारा कुछ सीखते रहिए अपने माता पिता और साथ ही साथ गुरु लोग का नाम रोशन कीजिए तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में बाय बाय